सोच विचार की जरूरत तो एक और बड़े मुद्दे पर है जिसने हम सब आम नागरिकों की हालत पतली कर रखी है, और वो है महंगाई। राजनीति में ऐसा कई बार होता है जब हुकूमत आवाम का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसे दूसरे मुद्दों को हवा दे देती है जो उन्हें भूख, प्यास और विकास से कोसों दूर लेकर चला जाता है। लेकिन हम आपको इस मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में महंगाई बढ़ी है। बीते 10 सालों में महंगाई ने एक लंबी छलांग लगाई है। लेकिन क्या इन बीते 10 सालों में आपकी आमदनी उस रफ्तार से बढ़ी है? ये देश की मौजूदा सरकार पर एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसे ऐसे समझिए, अमूमन एक इंसान एक दिन में कम से कम 4 रोटी खाता ही है। आपने कभी एक रोटी की कीमत नहीं लगाई होगी। हमारे घरों में अक्सर महीने भर का राशन आता है और हम उसी से अपने खर्च का हिसाब लगाते हैं। लेकिन 4 रोटी का अगर हिसाब लगाएं तो कितना होगा? ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। इसे ऐसे समझिए कि 4 रोटी बनाने में औसतन 100 ग्राम आटा लगता है। आज से 10 साल पहले 1 किलो आटा 22.48 रुपए का आता था। इस हिसाब से 4 रोटी बनाने में 2.24 रुपए लगते हैं। वहीं आज 1 किलो आटा 32.91 रुपए का आ रहा है। लिहाजा 4 रोटी बनाने में 3.29 रुपए का खर्च आ रहा है। यानी 10 साल में ही 4 रोटी की कीमत 1 रुपए तक बढ़ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए ही तो बढ़ी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है और फर्क पड़ेगा भी, क्योंकि जनवरी 2010 के बाद आटे की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 9 मई 2021 को देश में 1 किलो आटे की औसत कीमत 32.91 रुपए रही। अकेले एक साल में ही 1 किलो आटे की कीमत 4 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि देश में आटा इतना महंगा हो गया? इस सवाल के जवाब में कुछ बड़ी वजह है। जानकार मानते हैं कि देश में गेहूं का उत्पादन पहले के मुकाबले घटा है, स्टॉक भी कम हो रहा है। इसके अलावा देश के बाहर गेहूं की डिमांड भी बढ़ रही है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में 1 किलो आटा 27 रुपए का है, तो अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आटा 59 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मुंबई में 1 किलो आटा 49 रुपए में मिल रहा है। ये आंकड़े सरकार के हैं। निजी खुदरा बाजार में कीमत अधिक है। आप हम खरीदते हैं इसलिए जानते भी हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले दिन से ही आटे की कीमत तेजी से बढ़ रही है। 1 जनवरी से अब तक आटे की कीमत 6% तक बढ़ चुकी है। रूस और यूक्रेन जंग ने गेहूं के उत्पादन को और गिरा दिया है। दुनिया के गेहूं निर्यात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 1/4 थी। 2019 में रूस ने $8.14 अरब और यूक्रेन ने $3.11 अरब का गेहूं निर्यात किया था। इन दोनों देशों में युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ रही हैं। भारत में गेहूं की कीमत बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारतीय गेहूं की बाहर बहुत ज्यादा डिमांड है, जिससे देश में कीमतें बढ़ने लगी हैं। इसके अलावा डीजल की बढ़ती कीमत से गेहूं को लाने ले जाने वाला खर्च भी बढ़ गया है। आटे की कीमत बढ़ने से बेकरी आइटम्स भी महंगे होने लगे हैं। हाल के कुछ महीनों में बेकरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट और ब्रेड की कीमतें भी बढ़ी हैं। बेकरी ब्रेड की खुदरा महंगाई इस साल मार्च में 8.39% रही, जो 7 साल में सबसे ज्यादा है। यह तो बात रोटी की हुई, लेकिन सिर्फ रोटी से गुजारा नहीं होता, इसलिए आपकी थाली में जो बाकी चीजें हैं उनके दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं। इसलिए सिर्फ आटा ही नहीं बल्कि चावल, दाल, तेल और नमक की कीमत भी काफी बढ़ गई है। पिछले 10 साल में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक आंकड़े के जरिए समझिए, 10 साल पहले 25.40 रुपए प्रति किलो मिलने वाला चावल आज 36.07 रुपए प्रति किलो है। दाल 55.84 रुपए मिलने से बढ़कर अब 74.74 रुपए प्रति किलो हो गई है। तूर दाल 69.42 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 102.84 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो वहीं उड़द की दाल 57.62 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 105.02 रुपए प्रति किलो हो गई है। मूंग दाल 73.68 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 103.01 रुपए प्रति किलो हो गई है। मसूर की दाल 54.82 रुपए थी, जो अब बढ़कर 96.77 रुपए प्रति किलो हो गई। मूंगफली का तेल 131.11 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर अभी 187.11 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सरसों का तेल, जो पहले 100.88 रुपए प्रति लीटर था,
अब 185.52 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वनस्पति तेल 71.49 रुपए से बढ़कर 163.45 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सोयाबीन का तेल 85.78 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 170.33 रुपए प्रति लीटर हो गया है, करीब करीब दोगुना। पाम ऑयल 66.38 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 159.51 रुपए प्रति लीटर हो गया है, दोगुने से भी ज्यादा। वहीं नमक 13.59 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 19.21 रुपए प्रति किलो हो गया है। अब आइए सिलेंडर पर। भाई खाना पकेगा तो गैस के चूल्हे पर ही। सिलेंडर के दाम आम आदमी को बेचैन किए हुए हैं। सरकार आदेश जारी करती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। अब भला आम आदमी क्या करे? सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हाल ही में की है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर है। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, यानी कि 2 महीने में ही 100 रुपए कीमत बढ़ चुकी है। इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए थे। दाम में बढ़ोतरी के बाद नीले रंग के सिलेंडर की नई कीमत दिल्ली में अब 2,355.50 रुपए है। पहले इसकी कीमत 2,253 रुपए थी। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ने से बाहर खाना महंगा हो जाएगा। आप कभी किसी होटल या रेस्टोरेंट या ढाबे में जाएंगे तो वहां आपको कीमत बढ़ी हुई मिलेगी। 5 किलो एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी 655 रुपए है। 1 महीना पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले 1 मार्च को 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 105 रुपए बढ़ी थी, जबकि 22 मार्च को 9 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी लगातार इजाफा पिछले दिनों हुआ है, जिसका असर अब नजर आ रहा है। रसोई गैस सिलेंडर का सस्ता विकल्प पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को माना जाता था, लेकिन अब इसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में पीएनजी से खाना पकाना कब तक सस्ता रहता है, यह देखने वाली बात होगी। 24 मार्च को पीएनजी प्राइस हाइक 1 रुपए प्रति यूनिट की गई थी। इसके बाद दिल्ली में पीएनजी की कीमत प्रति यूनिट 36.61 रुपए हो गई थी। वहीं 1 अप्रैल को इसकी कीमत में 5.85 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया गया और इसके बाद इसे 4.25 रुपए प्रति यूनिट और बढ़ा दिया गया। यानी पीएनजी बीते 25 दिन में ही 10.10 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो चुकी है। दिल्ली में अभी यह 45.86 रुपए प्रति यूनिट मिल रही है। गैस के नाम पर सिर्फ एलपीजी और पीएनजी नहीं आम आदमी को नहीं रुलाया है, बल्कि पेट्रोल और डीजल का सस्ता विकल्प मानी जाने वाली सीएनजी भी लोगों को बेचैन करने लगी है। दिल्ली में मार्च के महीने में 8 तारीख को सीएनजी की कीमत 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाई गई थी। तब इसकी कीमत 57.51 रुपए प्रति किलोग्राम थी। फिर 14 अप्रैल 2022 को दिल्ली में इसका भाव 71.61 रुपए प्रति किलोग्राम तक आ गया। यानी 2 महीने से भी कम वक्त में सीएनजी 14.10 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है, जबकि अप्रैल में ही मुंबई में सीएनजी 12 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी 9.50 रुपए प्रति यूनिट महंगी हो चुकी थी। आपकी महंगी होती थाली का ताल्लुक पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से भी है। ये ठीक है कि हाल फिलहाल में कीमतें स्थिर हैं, मगर पिछले दिनों पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो उछाल हर दिन नजर आ रहा था, उसने 2 जून की रोटी और महंगी कर दी है। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद 22 मार्च से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ने शुरू हुए। कभी 80 पैसे, कभी 50 पैसे करके अब तक इनके दाम में करीब करीब 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को दिल्ली के हिसाब से देखें तो 21 मार्च 2022 को राजधानी में पेट्रोल का भाव 95.41 रुपए प्रति लीटर था, जबकि 15 अप्रैल 2022 को ये 105.41 रुपए प्रति लीटर पर आ गया, जबकि डीजल के दाम तब 87.67 रुपए प्रति लीटर थे, जो अब 96.67 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। ये हालात तो दिल्ली के हैं, वरना मुंबई में पेट्रोल 120.51 रुपए और डीजल 104.77 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे तर्क यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं, वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध से इसमें और इजाफा हो रहा है, लेकिन इसका असर आम आदमी पर पड़ता है, इसमें मिडिल क्लास पिस जाता है।
इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 22 मार्च से पहले पेट्रोल पर हर महीने 2000 रुपए खर्च कर रहा था, तो अब उसे दिल्ली में उतने ही पेट्रोल के लिए करीब 2200 रुपए खर्च करने होंगे। अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो सारी चीजें ऑटोमेटिक महंगी हो जाती हैं, जिसकी भरपाई आम आदमी को करनी पड़ती है। महंगाई आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसको फर्क पड़ता है? हम तो इमारतों के नाम बदलने और इतिहास बदलने से खुश हैं, मशगूल हैं। या फिर ज्यादा तकलीफ करेंगे हम तो बुलडोजर का जिक्र करने लगेंगे। कब हम जानेंगे कि हमारे सरोकार क्या हैं और हमें किन मुद्दों पर बात करनी है? इसी बात के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।